माई डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। टूडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। सोलेनोइड से पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको कॉइल के बारे में बताना चाहता हूँ। अ वाउंडेड वायर इज कॉल्ड अ कॉइल। कि हमारे पास जो वायर जो होती है जब लिपटी हुई हो तो हम उसको कॉइल का नाम देते हैं। ऐसे भी आप किसी शॉप पर जाएँ तो आप उसे कॉइल का नाम दें तो वो तार जो होगी लिपटी हुई होगी उसको हम कॉइल का नाम देंगे। फिर हम इसमें सोलेनोइड के बारे में बताते हैं। कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनोइड, इसको हम कहते हैं। सोलेनोइड में हम लोगों ने जब करंट देना है तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो हमारे पास एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड को जब हम बैटरी का वोल्टेज देंगे तो बैटरी का वोल्टेज देने से क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हम लोग इसमें इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं, डायरेक्शन जो होगी इसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की होगी। जब हम इसके करीब कोई बार मैग्नेट ले आएंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जब भी आप किसी मैग्नेट को दरमियान से कट करेंगे तो कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। एक पोल एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि नॉर्थ और साउथ पोल को जब भी कट करें, वो चाहे मिनिमम साइज भी होगा कट करेंगे, फिर भी वो पोल एग्जिस्ट नहीं करता, वो दो पोल में एग्जिस्ट करेगा, एक नॉर्थ में और साउथ में। जबकि इसके मुकाबले में चार्जेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली मैग्नेट में भी यही प्रॉपर्टीज़ है कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ साउथ भी रिपेल, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अटैक करेगा। यहाँ पर जब हम लोगों ने बैटरी लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम लोग कोई बार मैग्नेट इसके करीब ले आएंगे तो नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल जो होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अटैक करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो इलेक्ट्रिक का मतलब भी बिजली है, मैग्नेट है, मकनातीसी है। जब इसमें आप लोग करंट पास करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज़ होगा। द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज़ क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ किया है। जब आप किसी भी मटेरियल को, मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे और उसको वहाँ पर वापस लाएंगे और उसकी मकनातीसी जब ख़त्म हो जाएगी तो हम उसको टेम्परेरी मैग्नेट का नाम देते हैं। इसी तरह उस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं और वापस लें और उसकी प्रॉपर्टी या उसकी मैग्नेटिज्म जब बरकरार रहेगा तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट का नाम देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब मकनातीसियत आर्जी तौर पर प्रोड्यूस हो और वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाने पर ख़त्म हो जाए तो उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट का नाम देंगे, और जब मकनातीसियत बरकरार रहेगी, वो मुस्तकिल रहेगी, तो उस मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास आ जाता है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे पास एक टर्म आ जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स, के नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया से ज़्यादा पास होगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और उसकी मकनतीसियत जो होगी वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगी, जबकि नंबर ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम पास होगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, लाइंस भी कम पास होंगी। इसी तरह हम लोग इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट में से जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, अगर वहाँ पर एक करीब हम एक कॉइल रख दें, जब उस कॉइल में से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास होंगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और लाइंस के ज़्यादा पास होने की वजह से फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर हम उस कॉइल को मैग्नेट से दूर रखें, वहाँ पर दूर होने की वजह से लाइंस जो होंगी वो कम पास होंगी, और जब लाइंस कम पास होगी तो वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। मज़ीद हम इसको इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को एक्टिविटी के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, अगर यहाँ पर कोई एरिया हम परपेंडिकुलर रखेंगे, जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर में ये कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा पास होंगी, जब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा पास होंगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से लाइंस के ज़्यादा पास होने की वजह से फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी।
जबकि हम लोग उस एरिया को या उस कॉइल को वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसके पैरेलल रखेंगे, पैरेलल में कुछ इस तरह नज़र आता है कि लाइन जो है वो कट करती हुई नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो हमारे पास कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा होता है, मतवाजी पड़ा होता है, उसमें फील्ड जो लाइन्स होंगी वो कम पास होंगी। जब लाइन्स कम पास होंगी तो वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो मिनिमम होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको यह एक्सप्लेन किया कि अगर वो एरिया जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पैरेलल होगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी मिनिमम होगी, अगर वो परपेंडिकुलर होगा 90 का एंगल बनाएगा तो वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम। इसी तरह हम इसको मज़ीद दो एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम एक यू शेप कोई मैग्नेट ले लें, मैग्नेट के दो पोल होंगे, यू शेप भी सेम इस तरह होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। अगर हम वहाँ पर से कोई रेक्टेंगुलर कॉयल उसमें से पास करें, जब रेक्टेंगुलर कॉयल हम मैग्नेट के करीब ले जाएंगे तो वहाँ पर जो लाइन्स होंगी वो शुरू में मैग्नेट अगर स्टेशनरी कंडीशन में होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कॉयल मैग्नेट के अंदर स्टेशनरी कंडीशन में है या पैरेलल कंडीशन में है, तो गैल्वेनोमीटर हम इसलिए अटैच करते हैं वहाँ पर ताकि हम उसकी करंट की डायरेक्शन शो कर सकें। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। अगर वो कॉयल रेक्टेंगुलर कॉयल मैग्नेट में स्टेशनरी हो या पैरेलल मूव करेगी तो गैल्वेनोमीटर जो है उस पर रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। जैसे हमने अभी पिछली टॉपिक में बताया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ होगी। जब हम उस मैग्नेट को अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेट को मूव करने से ये होगा, मैग्नेट में कॉयल को मूव करने से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो करंट फ्लो करेगा वो हम गैल्वेनोमीटर पर शो कर सकते हैं, वो राइट टुवार्ड्स डायरेक्शन शो करेगा। इसी तरह जब हम उस कॉयल को मैग्नेट में टुवार्ड्स डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो करंट का फ्लो जो होगा गैल्वेनोमीटर पर शो होगा, वो नीडल जो होगी वो टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेगी। इट मीन्स के कॉयल या मैग्नेट में से अगर कोई एक चीज़ मूव करेगी तो वहाँ पर इंड्यूस करंट पैदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास दूसरी जो एक एक्टिविटी है उसमें हम एक सोलेनॉइड लेते हैं, हम एक बार मैग्नेट को उसका करीब लेके आते हैं। जब बार मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल के करीब ले आएंगे तो क्या होगा? वो वहाँ पर रिपल्शन पैदा होगी और वहाँ पर भी जो है गैल्वेनोमीटर पर उसको डिफ्लेक्शन को शो किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम साउथ पोल जो है मैग्नेट का करीब लेके आएँ वो रिपल्शन शो करेगा और उसको भी हम गैल्वेनोमीटर पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि इसके ऊपर फैराडे लॉ क्या इंडिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, कि यानी कि जितना इंड्यूस करंट होगा रेट ऑफ चेंज वो भी उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह दो हमारे पास इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक आ जाता है कि इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, और दूसरा आ जाता है हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये पेज नंबर 127 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। तो ये फैराडे लॉ जो होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शो करता है। इसी तरह हमारे पास है कि इंड्यूस ईएमएफ पर जो फैक्टर डिपेंड करते हैं वो कौन कौन से हैं। वो दो फैक्टर है हमारे पास, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉयल एंड द मैग्नेट। कि जब किसी मैग्नेट में कॉयल की स्पीड अगर ज़्यादा होगी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास होगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर लाइंस कम पास होगी फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, इसमें भी वही बात बताई गई है, अगर नंबर ऑफ कॉयल में टर्न की तादाद ज़्यादा होगी तो लाइंस भी ज़्यादा होंगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर लाइंस की तादाद कम होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड वीक प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा हम लोग इसमें मज़ीद ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड तो आप लोग उसमें पहले कॉयल की डेफिनेशन लिखेंगे, नेक्स्ट आप सोलेनॉइड को डिफाइन करेंगे, सोलेनॉइड के बाद आप उसकी डायग्राम बना के मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें अगर आ जाए तो टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज़ क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। राइट हैंड ग्रिप रूल आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर सोलेनॉइड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस सोलेनॉइड को अपने हैंड पकड़ेंगे, हमारा जो थंब जिस तरफ होगा वो हमारा होगा नॉर्थ पोल, जबकि दूसरी साइड जो होगी वो हमारी क्या होगी, साउथ पोल। तो अगर ये इस चैप्टर टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
उसमें आप डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन में आप थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे कि पहले आप ये जो एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके बारे में बताएंगे और फिर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।